H. C. Verma solution, chapter 29, Electric Field and Potential, question number 48. A particle of mass 1 gram, charge 2.5 into 10 to the power minus 4 is released from rest in an electric field 1.2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Find the electric force and the force of gravity acting on the particle. Can one of the force be neglected in comparison with the other? Approximately analysis. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोनों का फोर्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, दोनों फोर्स क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, चार्ज को किसी फील्ड के अंदर रखेंगे तो फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई होगा. ओके, Q कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, E कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर प्लस 4. तो प्लस 4 माइनस 4 ये चीज़ कैंसिल आउट हो गया, 2.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 3 न्यूटन और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg. m कितना है 1 ग्राम यानी 10 की पावर माइनस 3 kg और g कितना है 9.8 यानी अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा 9.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन. अब देखो इन दोनों फोर्स में से बोला किसी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या. देखो 3 के कंपेयर में ये बहुत छोटा है क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये आएगा 0.009.8 राइट 3 और ये तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लेक्ट कर सकता है यानी ये नेग्लिजिबल है. क्लियर है, यानी अब अपन जितने भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही करेंगे. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर. ओके, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर यानी 0.4 मीटर. तो कितना टाइम लगेगा 0.4 मीटर ट्रैवल करने के लिए. ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे अपने पास फोर्स है 3 न्यूटन और मास है 1 ग्राम तो एक्सेलरेशन कितना है वो निकाल देते हैं. तो एम ए इज इक्वल टू अपने पास है क्यू ई यानी 3 न्यूटन तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3/m यानी कि 3/10 की पावर माइनस 3 यानी 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या है आपका एक्सेलरेशन है. ओके, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है और इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि रेस्ट से इसको रिलीज किया है. तो अपने को पूछा है कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा. तो न्यूटन भाई साहब की सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे एस अपने को फाइंड करना है, यू 0 है, हाफ ए कितना है 3 इंटू 10 की पावर 3 और टी कितना है, टी तो निकालना है राइट, टाइम ही निकालना है. डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 0.4 यानी एस की जगह अपन 0.4 लिख देते हैं. तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 3. ओके, ये आंसर आ जाएगा. इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको 4 कर देते हैं और 10 की पावर माइनस 1 लिख देते हैं. इसको 4 कर दें और 10 की पावर माइनस 1 लिख दें तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8 यानी कि आ जाएगा √8/3 और ये 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 का रूट होता है 10 की पावर माइनस 2 यानी 8/√3 10 की पावर माइनस 2 यानी कि टी आ जाएगा अपने पास. समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड. ओके, सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट में पूछा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस यानी कि फाइनल स्पीड पूछा है यानी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन और u अपने पास 0 है, a अपने पास है 3 इंटू 10 की पावर 3 और t है अपने पास 1.63 इंटू 10 की पावर माइनस 2. इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आएगा 48.98 मीटर पर सेकंड स्पीड है. अप्रोक्स लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं 49 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड होगी. ओके, डी पार्ट में क्या पूछा है, डी पार्ट में पूछा है हाउ मच इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम. ओके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स राइट. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होता है, अब ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, डिस्टेंस कितना है वो अपन ने ऑलरेडी अपने को गिवन है 0.4 मीटर और फोर्स है कॉन्स्टेंट कितना है, फोर्स है 3 न्यूटन तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 4 12 यानी 1.2 जूल. कितना वर्क होगा 1.2 जूल और ये वर्क क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है.